देखो एकदम लास्ट डब्बे में हूँ। ओ भाई अभी नेक्स्ट स्टेशन पे आगे चला जाऊंगा। और हमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था जो IRCTC का एप्लीकेशन है उससे, और उसका अभी मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि खाना डिलीवर हो चुका है। अभी तो स्टेशन नहीं आया है और डिलीवर हो चुका है। भाई ट्रेन में भी ऐसे आदमी परेशान हो सकता है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे और आज हम चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर वापस। 7 बजे की ट्रेन है, हम सारे लोग रेडी हो चुके हैं। 7:30 की है लेकिन हमको 7 बजे पहुंचना पड़ेगा नहीं यार, और 6:30 बज रही है। सो अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, इसके सामने होटल के बहुत बाजू में 1 किलोमीटर ही होगा, 1 किलोमीटर ही है। सो अभी वही है, सभी जा रहे हैं। भैया पहली बार भाग भाग के ट्रेन पकड़ी, एकदम लास्ट डब्बे में बैठा हूँ। ट्रेन चल पड़ी थी और दोनों सामान मेरे हाथ में। भाई साहब देखो एकदम लास्ट डब्बे में हूँ। ओ भाई अभी नेक्स्ट स्टेशन पे आगे चला जाऊंगा। पल के लगा ट्रेन छूटी जाएगी। एक्चुअली क्या हुआ, ये ट्रेन है बनारस से वेरावर, हम आए थे गांधीनगर से वाराणसी वाली ट्रेन में। अब वो ट्रेन सीधा वाराणसी स्टेशन जाती है और बनारस स्टेशन अलग बनाया हुआ है, तो ये ट्रेन बनारस स्टेशन से निकलती है, वाराणसी स्टेशन नहीं जाती। भाई साहब हालत टाइट होगी। अभी सतीश का मेरे को फ़ोन आया और एक्चुअली क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ कि क्या सीन हो गया। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि हमने वाराणसी स्टेशन से एक ऑटो में पूरा सामान भर दिया, उस ऑटो में मैं और भावेश बैठे और दूसरी ऑटो में किशोर, सुमित और सतीश बैठे। तो हम यहाँ पे पहुँचे वाराणसी स्टेशन से बनारस स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है, ऑटो वाले ने भगाई। यहाँ पे पहुँचे तो सबने फटाफट सामान निकाला, मैंने पैसे दिए और फटाफट निकलने लगे। तो सतीश बोला ये 3 आग चले गए, सतीश पीछे मेरे बैग कहाँ है, एक बैग नहीं है मेरा। तो मैंने जिस ऑटो में मैं बैठा था, मैं और भावेश, उसमें देखा, उसमें नहीं था। सतीश बोले यार मेरा इंपोर्टेड बैग था, मेरे अंदर पैसे थे, सब कुछ था। तो फिर मैं दूसरी ऑटो जो पीछे खड़ी थी थोड़ी, जिनमें ये 3 जने आए थे, उसमें भागा देखने के लिए, उसमें बैग नहीं था। तो फिर आया वापिस और हम जैसे स्टेशन के अंदर पहुंचे तब तो ट्रेन निकलने लगी। तो फिर फटाफट ट्रेन पकड़ी, अभी सतीश का फ़ोन आया और ट्रेन पकड़ी। उसके लिए मैं सतीश को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि सतीश भागते, वो मेरे से बहुत आगे था, भागते भागते वो चढ़ गया, मैं पीछे था बहुत। सो उसने टीटी को बोला, टीटी था अंदर, उसने बोला यहाँ कहाँ जा रहे हो। तो टीटी, सतीश ने बोला कि हमारा ट्रेन है, टिकट है, लेकिन हमको लेट हो गया है, इसलिए मैं इस डब्बे में चढ़ रहा हूँ। सतीश चढ़ा है मेरे पीछे वाले, जो मेरे पीछे डब्बा है उसमें चढ़ा है सतीश। तो टीटी ने बोला ठीक है, सतीश ने बोला मेरे एक और दोस्त थे, कुछ करिए वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। तो टीटी ने चेन खींची, ट्रेन रुक गई। तो रुक मतलब बहुत स्लो हो गई, एकदम रुकी नहीं, बहुत स्लो हो गई। तो फिर मैं भागता भागता आया और चढ़ गया। और फिर अभी सतीश का फ़ोन आया, सतीश ने मेरे को बताया कि उसने सामने फ़ोन किया किशोर को या भावेश को, तो वो लोग बोल रहे हैं कि किशोर ने भावेश को बोला था कि तू सतीश को बोल के आना कि तेरा बैग मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो भावेश ने बोला नहीं सतीश को कि मैं तेरा बैग लेके जा रहा हूँ, वो भाग गया और बैग की चक्कर में मैं और सतीश लेट हो गए। इतनी गाली देने का मन कर रहा है भावेश को, लेकिन अभी मिलेगा ना तब उसको बराबर मारूंगा और गाली दूंगा। तो अभी ट्रेन तो वैसे मिल गई, लेकिन अभी प्रयागराज स्टेशन आएगा तब हम स्विच कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत देर होल्ड करेगी, तो तब तक तो इधर ही बैठना है। अभी मैं पीछे से एक दो डब्बा आगे आ चुका हूँ और आगे भी हमारा जाने का है, मतलब अपना सीट और आगे है। सतीश गया वहाँ पे, मैं नहीं गया, क्योंकि इसमें कैसा है कि यहाँ पे कोई ये स्टेशन नहीं है, सिग्नल पे खड़ी है गाड़ी और यहाँ पे जाने का रास्ता भी नहीं है, बहुत पतली सी एक रास्ता है और मेरे पास 2 बड़े बड़े बैग हैं, तो मैं जा नहीं पाऊँगा। और अगर मैं गया और ट्रेन चल पड़ी तो फिर से रह जाऊँगा, इसलिए अभी आगे जंक्शन में खड़ी रहेगी, उधर ही अपनी सीट पर जाएंगे। तो गाइस अभी फाइनली अपनी सीट अपन को मिल चुकी है। ये देखो ये बेटा, ये साले, इसकी वजह सब कुछ हुआ। सो अब यहाँ पे करते हैं आराम और भाग भाग के थक गए है ना।
बैग के साथ। हाँ सही बात है। देखो भाई ये ट्रेन से सारे लोग उतर गए हैं और ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, पूरी ट्रेन परेशान है क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये ट्रेन 4 से 5 घंटा लेट है और हर 15-20 मिनट के बाद रुक रही है, कोई स्टेशन पे नहीं ऐसे ही रुक रही है और आधा घंटा पौना घंटा होल्ड ले रही है। इधर आगे है लेकिन ये ट्रेन पीछे खड़ी रही है ना यार, अभी आगे इतना जाएंगे और ट्रेन चल पड़ी तो भाई परेशान हो गए। हमारे पास पानी भी नहीं है, खाना ऑर्डर किया लेकिन वो पता नहीं अब कब आएगा। देखिए अभी देखो भैया अभी फिर से पता नहीं कहाँ पे खड़ी रख दी है, कोई स्टेशन नहीं है ऐसे ही खड़ी रख दी है। अभी 4 घंटे तो लेट ही है और ये बार बार अभी चली चली अभी चली धीरे धीरे चली। और हमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था जो IRCTC का एप्लीकेशन है उससे, और उसका अभी मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि खाना डिलीवर हो चुका है, अभी तो स्टेशन नहीं आया है और डिलीवर हो चुका है। ये हर 15 मिनट में खड़ी रह रही है ट्रेन और 4 घंटा डिले हो चुका है और आगे स्टेशन पे पता नहीं अभी खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सीन है। वैसे हमने कंप्लेंट तो डाल दिए लेकिन फिर भी पता नहीं अभी खाने का क्या सीन है और पानी भी नहीं है हमारे पास। सो आगे स्टेशन आता है सबसे पहले पानी बॉटल लेते हैं और अगर 5 मिनट वेट करेंगे खाना नहीं आता है तो कुछ ना कुछ ले ही लेंगे खाने के लिए, क्योंकि यार भूखा सोना उससे कुछ ना कुछ खाना वो अच्छा है। सो अभी स्टार्ट हुई है वापस ट्रेन और अभी लगता है स्टेशन पे ही रुकेगी और स्टेशन पे ही रुके तो अच्छा है, देखे भी क्या होता है। तो अभी बस ऐसा सोच रहे थे कि यार ये ट्रेन मिस हो जाती तो अच्छा रहता, प्लेन से चले जाते तो अभी तक अपने घर पे पहुंच जाते। एक तो ये ट्रेन लेट हो गई और दूसरा ट्रेन भाग भाग के पकड़ी, चेन खींच के भाग भाग के ट्रेन पकड़ी और उसमें भी ऐसी हालत, इससे अच्छा तो प्लेन में चले जाते वो अच्छा होता। कोई बात नहीं, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है, तो आज हमको एक्सपीरियंस हो गया कि भाई ट्रेन में भी ऐसे आदमी परेशान हो सकता है। सो गाइस अभी अहमदाबाद पहुंचने को है और कितना किलोमीटर अभी दूर है अहमदाबाद, 20 किलोमीटर अहमदाबाद है और हमारे साथ है हमारे दोस्त देखे जिनका यूट्यूब पे चैनल है और जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो जाइए और सब्सक्राइब करिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब्सक्राइब टू चैनल का नाम क्या है? थैंक यू। आपके चैनल का नाम क्या है? तो जाइए और सब्सक्राइब करिए। तो अभी हम आ चुके हैं अहमदाबाद और 2-3 बजे बस लेके चले जाएंगे अपने घर वापस। यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं पटेल के ऑफिस पे और टिकट बुक करवा लिए वापस गांधीधाम की बस की, 2:30 बजे बस है। तो चाय वाय पीते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं फिर निकल जाते हैं घर के लिए।